इससे पहले कि तुम लोग वीडियो में आगे बढ़ो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने एडिट किया है और आगे भी मैं ही एडिट करूँगा। यार प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि लगे कि मुझे भी सपोर्ट दिखा रहे हो तुम लोग। तो शुभम भैया आप देख लो यहाँ से। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी लोग का स्पो कॉम्बैट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में और साथ में मैं आपको ISL के बारे में बताऊंगा कि कब से स्टार्ट होगा, कैसे कैसे चलेंगे मैचेस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यानी कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच हैं भारतीय फुटबॉल टीम के और बिल्कुल ही बहुत जल्दी जल्दी ये सारे मैचेस होंगे, 3 के बाद 7 को 7 के बाद 11 को। तो बहुत ही कम यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है भारतीय फुटबॉल टीम को। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 3 जून 7 जून और उसके बाद 11 जून को भारतीय फुटबॉल टीम को यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अपने बचे हुए 3 मैचेस खेलने हैं और ये जो मैचेस हैं वो कतार में होंगे, दोहा में। तो और यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी हैं दोस्तों वो अभी सारे अपने होम टाउन में हैं और कैसा सिचुएशन अभी चल रहा है दोस्तों वो आप लोग सभी को पता है। तो अभी यहाँ पे क्या किया था AIFF ने थोड़े दिन पहले कि रिक्वेस्ट करा था यहाँ पे AFC से कि अभी आप पोस्टपोन कर दो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को हमारे ग्रुप के लिए और थोड़े दिन बाद कराओ कि हम अपने प्लेयर्स को कम से कम एकत्रित कर सकें, हम कुछ फ्रेंडली मैचेस खेल सकें, हमें प्रिपरेशन का टाइम मिल सके और उसके बाद हम यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस खेलना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो एडवर्स कंडीशंस हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि हम अपने प्लेयर्स को यहाँ पे एकत्रित करें, उसके बाद फिर उनको यहाँ पे हम दोहा भेजें, वीज़ा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन सब कारण से यहाँ पे AIFF ने AFC को यहाँ पे रिक्वेस्ट करा था लेकिन AFC ने इसको डिनाई कर दिया क्योंकि बहुत बार इस बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पोस्टपोन हो चुके हैं। हालांकि जब मार्च में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर पोस्टपोन तो यहाँ पे भारत को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इसको पोस्टपोन कराने की और यहाँ पे किया गया था बांग्लादेश के रिक्वेस्ट पे प्लस अफगानिस्तान के रिक्वेस्ट पे। तो उसके चलते यहाँ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को समय पोस्टपोन करा गया था लेकिन अभी भारतीय फुटबॉल महासंघ के रिक्वेस्ट पे इसको नहीं कैंसिल किया जा सकता क्योंकि आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं और इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करना AFC के लिए भी एक बहुत ही यहाँ पे नेसेसिटी की चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि अब भारतीय फुटबॉल टीम को जल्दी से जल्दी यहाँ पे एकाग्रित होना पड़ेगा क्योंकि जून 3 में ज़्यादा टाइम नहीं है और यहाँ पे कतर एक ऐसा देश है जहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि वो भारतीय फ्लाइट्स को एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि अगर जो भारत से आ रहे हैं उन लोगों को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन साथ में एक बहुत ही सिरदर्द की बात है कि जो भी भारत से आ रहे हैं लोग उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट कम से कम 10 दिन का क्वारंटीन है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि जून 3 से मैच है, अगर यहाँ पर 10 दिन का क्वारंटीन है तो भारतीय फुटबॉल टीम को कैसे भी यहाँ पर 18 से 20 मई से पहले यहाँ पर उड़ान भरनी पड़ेगी कतार के लिए और वो दिन दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। और अगर ऐसा होता है कि 18 से 20 तारीख को भारतीय फुटबॉल टीम उड़ान भरती है तो उसे बिल्कुल यहाँ पे मिनिमल डेज़ मिलेंगे, अराउंड 2 to 3 to 4 days मिलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए और फिर से वही बात आएगी कि हमें यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल पाया एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। यहाँ पे ये चल रहा था कि भारतीय फुटबॉल टीम जाके वहाँ पे कतारी क्लब से मैचेस खेल सकती थी, यहाँ पे कुछ और कंट्रीज़ वहाँ पे आई हुई थी उनसे मैचेस खेलने वाली थी भारतीय फुटबॉल टीम यहाँ पे फीफा वर्ल्ड क्वालिफायर्स के पहले। लेकिन जो कंडीशंस यहाँ पे हुए भारत के अंदर यहाँ पे कोविड के अचानक से कैसे सर्ज हुए तो वहाँ पे यहाँ पे फंस गई सारी बात आके और अब यहाँ पे AFC भी तैयार नहीं है कि वो पोस्टपोन करे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को। तो इसके चलते यहाँ पे AIFF के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे टफ काम होने जा रहा है। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत सारे तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे प्रबीर दास हैं जो कि खुद यहाँ पे कोविड से इन्फेक्टेड हैं यहाँ पे रिसेंटली और साथ में ही अरिंदम भट्टाचार्य जिनकी मदर का यहाँ पे डेथ हो गया थोड़े दिन पहले यहाँ पे कोविड के चलते और बहुत ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको यहाँ पे ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, किसी के घर में यहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं तो कोई खिलाड़ी खुद ही यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हैं तो काफ़ी दिक्कत है और कोई कोई खिलाड़ी ऐसे जगह पर हैं जहाँ से निकल पाना अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे AIFF ने यह भी बोला है कि अगर किसी खिलाड़ी के घर में यहाँ पे COVID-19 के केसेस हैं या उसके चलते उनके घर में किसी का डिमाइस हुआ है तो यहाँ पे उनको पूरी छूट दी जाएगी कि अगर वो चाहें तो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इन मैचेस में नहीं खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट कंडीशन होने जा रही है AIFF के लिए और कैसे इसको मैनेज करती है AIFF वो देखने वाली बात होगी। हालांकि भेजना तो पड़ेगा ही कैसे करके आपको भी क्योंकि वीज़ा में भी काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग डेज होते हैं ये, जो भी यहाँ पे आप किसी का वीज़ा बना रहे हैं वो भी अभी कोविड के टाइम में आपको RT-PCR टेस्ट करने पड़ेंगे
आपको पूरी यहाँ पे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से, कतारी गवर्नमेंट से, दोनों फेडरेशन में बिल्कुल यहाँ पे तालमेल होनी चाहिए। AFC का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और 6 से 7 दिन इसके लिए काफ़ी कम है। अब इसको कैसे मैनेज करती है AFC और AIFF, उसको यहाँ पे देखने वाली बात है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब ISL के डेट्स आ चुके हैं, यानी कि डेट तो नहीं आए लेकिन अब ये तय हो चुका है कि ISL जो है इस बार सितंबर मिड से स्टार्ट होगा। हालांकि इस बार जो ISL होने वाला था वो एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था, यानी कि यहाँ पे मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ने वाले थे। अभी ये तो तय नहीं हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल पक्की न्यूज़ नहीं आई है कि यहाँ पे इस बार मैचेस इंक्रीज होंगे, और हम ये मान के चल सकते हैं जिस तरह से पिछला बार सीज़न चल रहा था उसी तरह से चलेगा। बस यही है कि यहाँ पे फॉरेन रूल्स में इस बार चेंजेस आएंगे और कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ मैचेस यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे या नहीं होंगे वो अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, ना ही उस पर कुछ न्यूज़ आई है। और जैसे ही आएगी मैं तो आपको ज़रूर बताऊंगा, वो आप जानते ही हो। और इसके लिए आपको तो स्पोक कॉम्बैट को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। और इंस्टाग्राम, मैंने आपसे 1000 बार तक बोला है कि भाई आप, मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैंने कितनी बार पोस्ट करा है कि भाई आप मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे भाई जो भी अपडेट आता है, बिल्कुल क्विक अपडेट आता है भाई, मैं वहाँ पे डालता हूँ और आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो वो बहुत ही मुझे बुरा लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो वहाँ जाके प्लीज़ फॉलो करो, उसका जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ आपको क्विक अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे 1 मिनट में 2 मिनट में अपडेट्स आते रहते हैं। तो जैसा भी कुछ बड़ा अपडेट होता है तो मैं उसे वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग सकता है लेकिन फ़ोटो एडिट करने में और उसको डालने में उतना टाइम नहीं लगता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जाके फॉलो करो अगर आप इंडियन फुटबॉल को यहाँ पे सीरियसली फॉलो करना चाहते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को कि वो बहुत ही जल्दी एकत्रित करे, और AIFF को भी बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा इस टफ टाइम्स के लिए कि वो अच्छे से वर्क करे और यहाँ पे एक मिसाल कायम करे, जिस तरह से उन्होंने ISL को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया है FSDL ने, उसी तरह से AIFF इस बार कुछ कमाल करे और यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम को कतर भेजे और कतर में भारतीय फुटबॉल टीम अच्छा प्रदर्शन करे, कम से कम 1 से 2 मैच जीते और यहाँ पे कम से कम 3rd फिनिश करे ग्रुप में, और AFC एशियन कप के फाइनल राउंड में जो क्वालिफिकेशन होता है, फाइनल राउंड क्वालिफिकेशन राउंड जो होता है उसमें क्वालिफाई करे कम से कम। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। और वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कर देना दोस्तों, वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।